दोस्तों, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, कोई ना कोई पावर ऐसी उसके पास होती है कि जो उसके अंदर छुपी हुई होती है, बस जरूरत होती है तो उसे पहचानने की। आज की हमारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। सुबह का समय था, बच्चों के स्कूल पहुंचने का समय। स्कूल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट बहुत साफ और सुंदर दिखने वाली यूनिफॉर्म पहने हुए और मुस्कुराकर आपस में बात करते हुए अपने स्कूल जा रहे थे। जब वह एक ऐसी सड़क पर थे जहां से बहुत कम लोग आते जाते थे, उस रास्ते पर चलते चलते अचानक वो दोनों रुक गए और डरते हुए अपने सामने की ओर देखने लगे। उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक बंदर रास्ते में बैठा हुआ था और उनकी तरफ देख रहा था। जैसे ही दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बंदर गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह बंदर रास्ते से हटने के मूड में नहीं था। दोनों दोस्त डर गए और अब उन्होंने किसी से सहायता लेने का विचार किया। उन्होंने अपनी दाईं तरफ देखा तो उन्हें एक घर दिखा जिसका दरवाजा खुला हुआ था और अंदर आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों से मदद ली जाए, लेकिन जैसे ही दोनों ने उन बच्चों से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, हम लोग खेलने में व्यस्त हैं, तुम किसी और से मदद मांग लो। और ऐसा कहकर उन बच्चों ने घर का दरवाजा भी बंद कर लिया। दोनों दोस्तों ने अब फिर से उस बंदर की ओर देखा और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, बंदर फिर से उन्हें देखकर गुर्राने लगा। अब दोनों काफी डर गए थे, उन्हें लगने लगा था कि आज वह स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब दाईं ओर से मदद का दरवाजा बंद होने पर उन्होंने अपनी बाईं ओर देखा जहां दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। दोनों दोस्तों ने तुरंत उनको आवाज लगाई और मदद करने को कहा, लेकिन मदद करने की जगह उनमें से एक व्यक्ति बोला, इतने बड़े होकर एक बंदर से डरते हो, आगे बढ़ो और सड़क के किनारे से निकल जाओ तो बंदर कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों व्यक्ति अपने घर के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। अब दोनों दोस्तों ने सड़क के किनारे से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े तो बंदर बहुत तेजी से घुर्राया। दोनों दोस्त तुरंत वहीं रुक गए। अब दाएं और बाएं दोनों ओर से दरवाजे बंद हो चुके थे। अब उनके आगे बंदर था और पीछे वापस लौट जाने का रास्ता। दोनों की मंजिल तो रास्ते के आगे थी, लेकिन पीछे वापस लौट जाने का रास्ता भी था। ऐसे में दोनों में से एक दोस्त सोचने लगा कि आगे जाते हैं तो बंदर हमें नुकसान पहुंचाएगा और पीछे जाते हैं तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, वापस घर पहुंच जाएंगे, क्या निर्णय लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब वह वापस घर लौट जाएगा, आगे बढ़ना और बंदर का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। वो ये सब सोचने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके आसपास क्या बदलाव हुआ। निर्णय लेने के बाद जैसे ही उसने अपने पीछे देखा तो हैरान रह गया और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि उसका दोस्त अब वहां नहीं है, वह वापस घर लौट चुका था। साथ ही उसने देखा कि पीछे से कुछ बंदर अब आगे की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। अब पीछे जाने का भी रास्ता बंद हो चुका है। अब स्थिति यह थी कि वह अकेला था, आगे उसकी मंजिल थी, लेकिन वहां खतरनाक बंदर रास्ता रोके बैठा था। दाएं और बाएं से दरवाजे बंद हो चुके थे और पीछे जाना भी अब संभव नहीं था। सबसे बुरी स्थिति यह थी कि वह अपनी जगह खड़ा रहकर किसी की सहायता का भी इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ बंदर पीछे से आगे उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। दोस्त साथ छोड़ चुका था, अब उसे ही जल्दी से कुछ निर्णय लेना था। अब जल्दी ही उसको अपने अंदर से कुछ आवाजें आने लगी जो उसे कुछ अच्छा करने को प्रेरित कर रही थी, कुछ तो करना ही था। तभी अचानक उसे अपने अंदर की आवाज को सुना जो उससे चीख चीख कर कह रही थी कि वह अगर सही निर्णय ले तो समस्या का सामना भी कर सकता है और अपनी मंजिल पर भी पहुंच सकता है। उसके अंदर अब आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था और अब तुरंत उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और आगे की तरफ बैठे हुए बंदर की ओर तेजी से भागा। अब बंदर उस पर गुर्राने की बजाय अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भाग गया और एक मकान की छत पर जा बैठा। रास्ता खुल गया, अब आगे बढ़कर मंजिल पर पहुंचने का रास्ता खुल चुका था। वो लड़का तुरंत भागा और स्कूल जा पहुंचा। आज के दिन वो सफल हो चुका था, उसके आत्मविश्वास की जीत हुई थी, उसकी हिम्मत ने आज एक विजय हासिल की थी। उसे आज अपने अंदर की शक्तियों का एहसास हो चुका था, उसे पता चल चुका था कि सफलता कब और कैसे हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, वैसे तो ये एक बच्चे की स्टोरी थी, लेकिन इससे हमने सीखा क्या? दोस्तों, ये एक प्रेरक कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में सफलता पाने की कुंजी है ये कहानी। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों के बारे में जानने का एक फॉर्मूला है ये कहानी। दुनिया में सभी लोग कहानी में बताए गए दोस्तों की तरह ही तो हैं। अपनी अपनी मंजिल की तरफ हर कोई आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मंजिल की तरफ आगे बढ़ने पर जब कोई परेशानी आती है तो हम खुद पर विश्वास न करके दूसरों से मदद मांगते हैं। मदद मांगने से हमें हमेशा नुकसान ही होता है, क्योंकि यदि मदद मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी मंजिल की ओर कुछ आगे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी खुद की शक्तियां
अपनी ओन पावर्स को नहीं पहचान पाते। और कभी ऐसा समय आता है जब समस्या आने पर हमें अपने आसपास से मदद ना मिले तो हम डर जाते हैं और वापस लौटने का निर्णय तक ले लेते हैं। कुल मिलाकर मदद हमें अंदर से कमजोर बना देती है। ठीक इस कहानी में भी ऐसा ही है। कहानी में वह स्टूडेंट जो अपने दोस्त के साथ था, जब परेशानी आई तो इधर उधर मदद मांगने लगा और बाद में सभी रास्ते बंद होने पर उसने बंदर को पत्थर से मारने का निर्णय ले लिया, जबकि वह निर्णय पहले भी लिया जा सकता था। केवल परिस्थिति का अंतर था। पहले उसे अपने अंदर की शक्तियां, अपनी इनर्स पावर्स का एहसास ही नहीं था, लेकिन जब सभी तरफ से रास्ते बंद हो गए तो उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर तो अपार शक्तियों का भंडार मौजूद है, जबकि उसका दोस्त यह एहसास नहीं कर पाया क्योंकि उसे पीछे लौट जाने का रास्ता मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा लाइफ लेसन हमें यही मिलता है कि हमारे अंदर की शक्तियाँ, इनसाइड पावर्स, तब बहुत जल्दी जाग जाती हैं जब परेशानी आने पर कहीं से हेल्प नहीं मिलती और आगे बढ़ने के अलावा सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं। इंसान के अंदर बहुत सारी आंतरिक शक्तियाँ हैं, ज़रूरत है तो केवल उन्हें पहचान लेने की। देयर आर मैनी इनर पावर्स विद इन द ह्यूमन बींग, दे ओनली नीड टू रिकॉग्नाइज देम। तो अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, अपने आत्मविश्वास को और प्रबल बनाएं, अपने आत्मविश्वास पर इतना भरोसा रखें कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। चाहे वो काम आपको कितनी भी कठिनाई वाला लगे, लेकिन आप कभी हार ना माने, कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इस कहानी में वो लड़का भागने की कोशिश करता तो वो पहले भाग चुका होता, लेकिन उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने अंदर की आवाज़ सुनी। उसे अपने अंदर से एक इनर पावर की आवाज़ आ रही थी और चीख चीख कर उससे कह रही थी कि हमारे पास इस समस्या से निकलने का समाधान है। खड़े मत रहो, पत्थर उठाओ और बंदर की तरफ लपक जाओ। बंदर भाग गया और उस लड़के को अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद ही मिल गया। अगर वो वहाँ खड़ा रहता तो डर के मारे शायद बंदरों का शिकार भी हो जाता, क्योंकि डरा हुआ इंसान तो किसी चींटी से भी डर सकता है और ना डरने वाला इंसान शेर के सामने भी जीत सकता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या बनना है और हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है या नहीं। अगर हम हमेशा दूसरों के ऊपर आश्रित रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, तो हम कभी अपनी अंदरूनी शक्तियों को, अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचान पाएंगे। हर इंसान के अंदर आंतरिक शक्तियां हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें पहचानने की और उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करने की। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी की हेल्प लेना ही भूल जाएं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हेल्प वहाँ लें जहाँ उसकी ज़रूरत हो। हर इंसान को हर जगह अगर हेल्प की आदत पड़ जाती है तो वो अंदर से कमज़ोर हो जाता है, खुद पर उसका विश्वास इतना नहीं होता और उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर इंसान दूसरों पर आश्रित रहेगा तो वो कभी सफल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सफल होने के लिए भी उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो उसकी सफलता नहीं कहलाएगी बल्कि किसी दूसरे इंसान की सफलता कहलाएगी, वो मात्र एक ज़रिया होगा। इसीलिए अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें, फिर देखिए आप जीवन में सफल भी होंगे और आपको अपने अंदर छुपी हुई बहुत सारी क्वालिटीज़ और बहुत सारी शक्तियाँ भी मालूम पड़ेंगी।